हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैं आपको त्रिकोणमिति फलन के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया था और अपना मेन अब स्टार्ट हुआ है 11th में त्रिकोणमिति, जिसमें मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ बताया था। देखो ग्राफ समझ लेना, इसके बाद फिर ये जो एनसीईआरटी में कई सारे पेज फर्जी का भर रखा है, कई सारे उसमें मटेरियल दिया हुआ है, वो केवल ग्राफ यदि कॉन्सेप्ट में है तो वो सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद करोगे तो पागल हो जाओगे। आप ग्राफ यदि दिमाग में है तो फिर वो सिर्फ चीज़ें आपको याद नहीं करनी होती है, आप देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। लेकिन यदि ग्राफ आपके दिमाग में नहीं है तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो आपको पहले टारगेट होना चाहिए कि ये जितने भी 6 त्रिकोणमिति फलन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बात करते हैं fx बराबर cos x का। कल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था sin x का प्रांत, परिसर और आवर्त काल। अब इसमें देखते हैं कि इसका डोमेन, रेंज, टाइम पीरियड क्या बनेगा। तो fx बराबर cos x दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको y ले लेते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं ले लूंगा आपको, हालांकि ये तो बच्चों वाले काम हो गया है। अब स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर x लूंगा, यहाँ पर y लूंगा। एक तो मैं 0 लूंगा, एक मैं पाई बाई 2 लूंगा, माइनस पाई बाई 2 लूंगा, पाई लूंगा और माइनस पाई लूंगा। सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और कॉस 90 का मान 0, पाई बाई 2 पे भी 0, पाई पे -1 होता है। पाई पे कॉस पाई का मान क्या होता है -1, और इस पे +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। बस इतने पॉइंट आप बना लेते हैं, छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद अपना काम फिर आगे स्टार्ट कर देंगे। अब आपके पास दिया है, मान लीजिए ऐसे बनाना है, तो स्टार्ट हो जाते हैं। देखो 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, पाई बाई 2 यहाँ पे, पाई यहाँ पे, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे, 2 पाई इधर बन जाएगा, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई। कई सारे पाई नंबरिंग मुझे बाद में करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ऊपर है 1, नीचे बनेगा -1, ऊपर बनेगा 1, नीचे बनेगा -1। तो 0 पे तो 1 मिला था, देखो 0 पे 1 मिला हुआ है, फिर पाई बाई 2 पे क्या हो गया, 0 हो गया, पाई बाई 2 पे 0 हो गया। पाई पे कहाँ है, पाई पे -1 पर है, तो पाई पर ये -1 पर है, ठीक है। ऐसे 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस पाई बाई 2 पे 0 है और माइनस पाई पे ये यूं 0 होगा, माइनस, अच्छा वो सॉरी, माइनस पाई पे ये -1 होता है, माइनस पाई पे -1 होता है, ये -1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 होगा। ये बातें मिलेंगी। अब देखो मैं इसको बना दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखना आप धीरे धीरे। देखो पाई 1 पे था पाई बाई 2, सर्कुलर बनाना, हमेशा सीधी लाइन पर खींच देना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं अपने, सर्कुलर होते हैं, उनका कर्व जो बनता है वो सर्कुलर पार्ट का होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। फिर पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 से ये जाएगा -1 पे, फिर 1 से 3 पाई बाई 2 पे 0 जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पे जाएगा 1 पे, फिर इधर आगे बढ़ेगा, ये ऐसे कूदते हुए ऐसे चलता चला जाएगा। ऐसे यहाँ से पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पे 0, फिर ये 1 पे जाएगा -2 पाई पे, फिर ये हो जाएगा 0, ऐसे बन जाएगा आपका। यहाँ पर आपका बन जाएगा 5 पाई बाई 2, क्या बन जाएगा, 5 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बन जाएगा, यहाँ पे 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, इधर -2 पाई -5 पाई बाई 2, बस ज़्यादा नहीं बनाना है। अब इसके प्रांत चाहे डोमेन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, डोमेन, परिसर और रेंज, परिसर का मतलब क्या हो गया, रेंज हो गया। इसके बाद अपने पास हो गया आवर्त काल, क्या हो गया, आवर्त काल, ये हो गया। अब बात करते हैं डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एक्स अक्ष, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष, प्रांत। तो एक्स अक्ष पर देखिए कौन कौन, एक्स अक्ष के कौन कौन से मान के लिए ग्राफ अपने अंदर ढका हुआ है एक्स अक्ष को, देखो। तो इसके नीचे सारा एक्स है, इसके ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, सारे एक्स है। देखो कोई एक्स ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर ग्राफ नहीं मिला हो, आप एक्स का कोई सा भी मान लोगे, या तो ऊपर ग्राफ होगा या तो उसके नीचे ग्राफ होगा, कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा
कि आपके उसके ऊपर या नीचे ग्राफ नहीं है, मतलब हर जगह वो है, वो हर जगह है, सारे मान ले रहा है, सारे मान ले रहा है, तो इसका मतलब डोमेन क्या बन जाएगा आपका आर, डोमेन क्या बन जाएगा आपका आर। अच्छा रेंज क्या बनेगा, परिसर क्या बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। परिसर को क्या होता है, वाई एक्स, वाई एक्स पे कितना जा रहा है ये, तो वाई एक्स पर देखो सबसे ऊपर एक पे गया है, सबसे नीचे माइनस वन, तो यहाँ पर साइन की तरह इसका भी डोमेन और रेंज बराबर दिख रहे होंगे, उसका भी प्रांत मिला था आर, इसका परिसर क्या मिल रहा है माइनस वन टू वन मिल रहा है। अब बात करते हैं आवर्तकाल की, क्या करता हूँ आवर्तकाल, किस टाइम पीरियड के बाद इसका ग्राफ क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो देखो ध्यान पे, ध्यान से, जीरो पे आप कहाँ पर हो, एक पर हो, जीरो पे कहाँ पर, एक पे हो, और टू पाई पर भी कहाँ पर हो आप, एक पे हो। फिर देखो आप इससे नीचे आना स्टार्ट किए, यहां से भी नीचे आना स्टार्ट कर दिए, फिर नीचे गए, नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए, मतलब टू पाई से इसका ग्राफ क्या हो रहा था रिपीट हो रहा था, टू पाई पर ग्राफ क्या हो रहा था रिपीट हो रहा था, समझ गए। फलन सतत है, देखो सतत है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो फलन कॉस एक्स क्या है, प्रत्येक बिंदु पर सतत, प्रत्येक बिंदु पर सतत है, ये तो 12वीं का टॉपिक है अपना, प्रत्येक बिंदु पर क्या है सतत है, ये हो गया। तो मेन देखो साइन एक्स, आपको ऐसे आंख बंद करके मैं बोलूं तो आपसे ग्राफ तुरंत फटाक से बनने चाहिए। अब इसमें कल देखना ध्यान से, जो ग्राफ लिख रहा हूं, जो ग्राफ मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है ओ फलन, जिस फलन का ग्राफ, ऐसे लिख लेना थोड़ा सा और अच्छे से, जिस फलन का ग्राफ मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है, वह फलन एक विषम फलन होता है, क्या होता है विषम फलन होता है, क्या होता है विषम फलन होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, जिस फलन का ग्राफ y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, वह फलन समफलन होता है, क्या होता है समफलन होता है, क्या होता है समफलन होता है। ये समफलन सम और विषम तो हमने सर सुना है ना, सम और विषम क्या होता है सुना है हमने, सम संख्या और विषम संख्या, ये सममित नहीं सुना है। सममित का मतलब ये होता है कि समान दूरी पे समान अवयव मिलने चाहिए, समान दूरी पे एक जैसा मिलना चाहिए, इसको मैं समझ रहा हूं ये बीच में है। अब ये दोनों मार्कर ये बीच में है, कहीं पर है कहीं बीच में है, तब ये सममित है, दोनों मार्कर ये ब्लू वाले मार्कर के सापेक्ष सममित है कि नहीं है, थोड़ा यूं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये दोनों मार्कर जो ब्लैक वाले मार्कर दोनों है, ये ब्लू वाले मार्कर से सममित है कि नहीं है, तो देखो समान दूरी है, मतलब इसका इससे दूरी और इसका इससे दूरी, दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए समान है, तो बोलूंगा कि दोनों मार्कर जो ब्लैक वाले मार्कर हैं ब्लू वाले मार्कर के सापेक्ष क्या है सममित है। अगर जो मान लो गैप कुछ ऐसा टेढ़ा हो, किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, मान लो ऐसे हो जाए तो सममित होगा, देखो इसकी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी ब्लू वाले से क्या है, इसमें गैप कम है इसमें गैप क्या ज्यादा है, तब ये दोनों क्या है सममित नहीं है। तो ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है और कौन वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो आपको साइन को देखो तो आपको लग रहा है कि वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, देखना ध्यान से, सममित मतलब पता करना हो तो सोचो कि इसके सामने आईना रख दो, कि वाई अक्ष पे आईना रखूंगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा,
दर्पण रखेंगे तो कोई प्रतिबिंब बनेगा, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखूंगा ब्लू वाले को, समझो एक आईना है, तो इसका जो चित्र बनेगा इधर कहीं ऊपर बनेगा, ऊपर ही तो बनेगा, कुछ ऐसा बनना चाहिए, यू बनता, ये बनता, लेकिन ये बन नहीं रहा, इसका मतलब पक्का है कि वाई एक्स के सापेक्ष सममित नहीं है। आप सोचो कि मैं मूल बिंदु पर आईना रख दे रहा हूं, इधर मूल बिंदु पर रख दिया, ये है मूल बिंदु। अब देखो क्या आप लोग, आपको लग रहा है देखो ये जो ऊपर है यही नीचे मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये आप पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने सम और विषम पे ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर कोई याद आ गया, ये जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स एक विषम फलन होता है, क्या होता है, विषम फलन होता है, साइन एक्स क्या होता है, विषम फलन होता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये वाई मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है। आप चाहोगे तो यहाँ पे ऐसे डॉट करके देख लेना, आपको आईना लग रहा होगा, ये आईना है, इसके देखो इसके ऊपर और नीचे प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं कॉस की, कि कॉस मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है कि नहीं है। तो देखो तो इसका तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर रखे इसका इमेज ये इधर मिलना चाहिए, नहीं बन रहा है, लेकिन इधर देखो आईना देखो इस पर रखा है, आपको लग रहा है कि ये जो है इसका चित्र इधर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसीलिए जो cos x है, क्या है, cos x एक सम फलन होता है, क्या होता है, सम फलन होता है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सम फलन है कौन विषम फलन है, तो आपके पास अभी आगे चलते एक चीज मिलेगा कि साइन माइनस x, साइन माइनस x, चूंकि साइन क्या है एक विषम फलन है, साइन क्या है एक विषम फलन है, तो माइनस को बाहर फेंक देता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, तो ये बन जाता है माइनस साइन एक्स। अब ऐसे भी अब जो नॉर्मल तरीके से याद करना हो, आपको पता है माइनस एक की घात यदि विषम संख्या लग जाए, माइनस एक की घात क्या लग जाए, विषम संख्या, तो क्या हो जाता है माइनस को बाहर फेंक देता है। लेकिन यदि माइनस वन की घात में यदि कोई सम संख्या आ जाए तो प्लस को क्या करता है, खा जाता है, माइनस को क्या करता है, खा जाता है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी दिमाग में बैठा लेना कि यदि विषम फलन हो और सम फलन हो, आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये फलन क्या है, सम फलन है या विषम फलन है, तो यदि उस फलन के अंदर, उस फलन के अंदर माइनस गया है तो माइनस को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। अब कॉस एक्स क्या है, एक सम फलन है, तो इसीलिए कॉस के अंदर यदि माइनस रखते भी हो तो माइनस को क्या कर जाता है, खा जाता है, माइनस को क्या करता है, खा जाता है। इसको लिखते हैं cos x, क्या लिखते हैं, cos x। तो sin x में थोड़ा सा उतना चेंज कर लेना sin, और ये दो पॉइंट लिख लेना, इसके बाद इसको साफ कर दो, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट बात की tan x की। किसकी बात करूंगा, tan x की, कि tan x पे कार्यक्रम कैसा चलेगा अपना, चलते हैं tan x पे। आपको मेन आपको याद होना चाहिए इसके डोमेन और रेंज, क्या याद होना चाहिए, डोमेन और रेंज याद होने चाहिए। यदि डोमेन रेंज आपने याद नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करूंगा tan x की। किसकी बात करूंगा, tan x की, कि tan x अगर आप कहें किस प्रकार बनेगा, यहां पर आता है tan x, tan 0 का मान 0 होता है, पाई बाय 2 पे अनंत होता है, माइनस पाई बाय 2 पे भी माइनस अनंत जाएगा, ये पाई पे 0 होगा और माइनस पाई पर भी जीरो होगा, इतना इसकी कहानी है। तो टेन एक्स का ग्राफ थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा देखते रहना आप, ये बनेगा टेन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे ब्रेक कर लेंगे जिससे ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बने, ग्राफ बनाने में हमें प्रॉब्लम ना हो, कुछ इस टाइप से हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ पर मैंने जीरो रख दिया, जीरो यहाँ पर रखना चाहिए था, चलो यहाँ पर रख दे रहा है, बीच में होगा, इसको पाई बाई टू बोल दूंगा, इसको पाई बोल दूंगा, इसको थ्री पाई बाई टू बोल दूंगा, इसको टू पाई बोल दूंगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस पाई होगा, माइनस थ्री पाई बाई टू होगा, माइनस टू पाई होगा, क्या बात है, मैंने एकदम सही ढंग से लिखा है। अब सुनते हैं, थोड़ा देखते हैं ग्राफ इसका, ध्यान से देखो, जीरो पे टेन जीरो है, जीरो पर टेन जीरो मतलब यहां पर हो, कहीं यहां पर हो।
और पाई बाय टू पे आप कहां चले गए, अनंत पे चले गए। पाई बाय टू पे कहां चले गए, तो पाई बाय टू की ये लाइन है, आप पाई बाय टू पे कहीं अनंत होंगे, सबसे ऊपर पे होंगे। बात समझ में आ गई, पाई बाय टू पे कहां होंगे, अनंत पे होंगे। माइनस पाई बाय टू पे माइनस अनंत पे हो तो कहीं यहां पर होंगे, माइनस पाई बाय टू की ये लाइन है तो यहां पर कहीं होंगे। तो ग्राफ ये बनेगा, यूं थोड़ा सा इसको सटा के लाना होता है, यहां से ऐसे लाना होता है, घुमाकर ये लाना होता है। माइनस पाई बाय टू पे अपन को अनंत पे जाना ही जाना है, ठीक है। फिर से अब पाई बाय टू पे आपको माइनस अनंत पे जाना है तो यू जाना है, ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे फिर से होगा। थ्री पाई बाय टू पे अनंत पे जाओगे, पाई पे जीरो पे आओगे, फिर पाई से पाई बाय टू पे अनंत पे चले आओगे। ये पूरी कहानी है। ऐसे आपको चाहो तो इधर से एक और बनाना पड़ेगा, तो यूं आएगा, पाई बाय टू पे जीरो होगा, फिर ये बन जाएगा। ऐसे ही माइनस पाई बाय टू पे अनंत से आकर पाई पे आएगा, पाई से फिर जीरो पे आ जाएगा, पाई पे जीरो, थ्री पाई बाय टू पे ये, फिर ये थ्री पाई बाय टू पे अनंत पे होगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। ये ग्राफ ब्लू वाले क्या है, ग्राफ है। अब इसके थोड़ा सा प्रांत क्या है, क्लास में रहते तो थोड़ा सा और मजा आता आपसे पूछने में। डोमेन क्या होगा इसका, परिसर क्या होगा इसका, मतलब रेंज क्या होगा, इसके बाद आपके पास हो गया आवर्तकाल, वो क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, इस पर डिस्कस किया जाए कि क्या होगा। प्रांत को सोचो, आप सोचोगे तो फिर अच्छे से सोचोगे, फिर मैं बताऊंगा तो उतना वो नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा ही, वो तो लास्ट में बताना है। थोड़ा सा वीडियो को रोक कर दिमाग लगाओ कि एक्स के हर मान मिल रहे हैं कि कहीं पे एक्स पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। रोक के सोचना, अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, तो हर पाई जिसमें पाई में दो से भाग है, वहां पर ही अनंत पे भाग जा रहा है। अनंत मतलब क्या रहा है, ले नहीं रहा है, भाग जा रहा है। अनंत का मतलब क्या, बहुत बड़ा हो गया, वो अपने अंदर नहीं आ रहा, फलन के अंदर नहीं घुस रहा है, वो तो भाग जा रहा है। पाई में अनंत जाने का मतलब क्या, बहुत दूर चला गया, चलता चला गया, उसको मालूम ही नहीं था कि रुकना था, वो चलता चल ही रहा है। अभी तक क्या कर रहा है, चल रहा है। भाई मैंने बोला कुछ देर बाद आना, लेकिन वो चलता चला गया, ऐसा चलता चला गया, वो अभी चल ही रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि पाई बाय टू पे अनंत पे है, मतलब वो अपने प्रांत में नहीं आएगा। एक्स एक्स की बात कर रहा हूं, और सभी के ऊपर ग्राफ है, देखो इन सभी के ऊपर ग्राफ है, इन सभी के ऊपर सब हर एक बिंदु पे ग्राफ है, लेकिन पाई बाय टू पे वो अनंत भाग गया। ऐसे आप देखो थ्री पाई बाय टू पे अनंत भाग गया, अब देखो पाई बाय टू इधर भी अनंत भाग गया है, और हर एक के नीचे ग्राफ है, पाई के ऊपर है, पाई के इधर इधर सारे ग्राफ है, बट थ्री पाई बाय टू पे अनंत में भाग गया। इधर देखो थ्री पाई बाय टू पे अनंत में भाग गया, मतलब जिसमें पाई में दो से भाग हो, पाई बाय टू के आगे क्या लिखा है, एक लिखा है, यहां पर समझोगे एक है, यहां पे तीन है, तो आर तो है, क्योंकि बहुत सारे नाम मान आ रहे हैं, आर तो है, लेकिन माइनस में पाई आर में से वो हटा देना है जहां पे पाई बाय टू आ रहा है, पाई बाय टू आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई बाय टू आ रहा है, आर में से जिसमें पाई में दो से भाग है उसको हटा देना है, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, आर मतलब क्या होगी, सारी संख्याएं होंगी, देखिए पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, पांच पाई बाय टू, सात पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस फाइव पाई बाय टू, माइनस सेवन पाई बाय टू, इन सब पर क्या हो रहा है, वो अनंत पे चला जा रहा है, उसको लेने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, उसको भगा दे रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इस आर में से जो पाई बाय टू वाले हैं हटा देंगे, लेकिन ध्यान से देखो तो पाई बाय टू कौन है, इसके आगे एक, इसके आगे तीन, इसके आगे जब मिलेगा इसका ग्राफ, यहां पे मिलेगा पांच पाई बाय टू मिलेगा, मतलब पाई बाय टू के आगे क्या लगा है, विषम संख्याएं लगी हैं, पाई बाय टू के आगे क्या लगी हैं, विषम संख्याएं लगी हुई हैं। तो वो अपने पास जो पाई बाय टू है, पाई बाय टू तो मुझे हटाना था, लेकिन इसके आगे लगी है विषम संख्या। अब समझ लो विषम संख्या हम इस रूप में लिखते हैं, टू एन प्लस वन, क्या लिखते हैं, टू एन प्लस वन, जहां आपका एन क्या है, जेड है, जेड मतलब पूर्णांक है, जेड या आई, जेड या आई। आप क्या करोगे, वास्तविक संख्या में से पाई बाय टू को हटाओ, पाई बाय टू के आगे विषम संख्याएं लगी हुई हैं, एक लगा है, तीन लगा है, पांच लगा है, माइनस एक लगा है, माइनस तीन लगा है, माइनस पांच लगेगा,
तो हमने इसके आगे विषम संख्या, विषम संख्या इसी रूप में हमेशा लेते हैं, 2n+1। यहाँ पर n का मान कुछ भी रखो, इसमें n का मान कुछ भी रखो, ये हमेशा आपको विषम संख्या ही देगा। n का मान 0 लो, ये तो गायब, एक मिल गया विषम संख्या। 2 रखो, 4 मिला, 2 रखो, 1 रखो, अभी 1 रखो तो 2 1 3 3 मिल गया, 2 रखोगे तो 5 मिलेगा, 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, 6 1 7 मिलेगा, 3 के बाद आप 4 रखो तो 9 मिलेगा। ऐसे आप n का मान रखते जाओ, कुछ भी रखोगे क्या देगा आपको, माइनस ही देगा, सॉरी विषम ही देगा, सम तो देने वाला नहीं है। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज को देखते हैं कि वाई एक्स पे कहां कहां मिल रहा है, किस किस वाई तक ऊपर नीचे कहां तक जा रहा है। तो देखो ध्यान से, ये है वाई एक्स के ऊपर ग्राफ चला, चलता चला गया और नीचे भी चलता चला गया। देखो एक्स एक्स के ऊपर भी सारे मान और सारे नीचे मान, तो मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से अनंत, ये हो गया। या तो वास्तविक संख्या हो सकता है, सारी वास्तविक संख्या है। आवर्तकाल देखते हैं, इसका आवर्तकाल इंटरेस्टिंग है, इसका जो आवर्तकाल है वो क्या इंटरेस्टिंग है आप देखोगे तो। देखो ध्यान से, ये यहां पर है, ये ऊपर है, यही तो है, ऊपर से नीचे आना शुरू किया, ऊपर से आना शुरू किया, इसमें भी देखो तो ऊपर से, तो गैप कितना है यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक, नहीं सॉरी, ये गैप देखो ना, यहां से पाई बाई टू से 3π/2 के बीच में गैप कितना है, पाई का है। अरे पाई बाई टू में पाई जोड़ोगे तभी तो 3π/2 पे पहुंचोगे, तो इसका आवर्तकाल बन गया पाई। अच्छा ये सतत है, सतत है कि नहीं है, देखो ये ग्राफ हमने बनाना शुरू किया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पहुंच गए, लेकिन अब ये इसको बनाने के लिए यहां पे पहुंच गया, अब इसको बनाने के लिए हमें मार्कर उठाना पड़ेगा, लगातार नहीं है उठा, लगातार कॉस का, लगातार का कॉस साइन का ग्राफ ऐसे बन रहा था, लगातार बन रहे थे, कहीं पर भी मार्कर नहीं उठा, सब लगातार था। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, यदि यहां से यहां तक तो हमने बना दिया, अच्छी बात है, अब उसका अगला पार्ट जो ग्राफ है वो बनाना पड़ेगा, हमें मार्कर उठाना पड़ेगा, तो फलन क्या है, सतत नहीं है, फलन क्या है, सतत नहीं है। अच्छा विषम है कि सम फलन है, देखो जल्दी से, तो देखो ये मूल बिंदु के सापेक्ष ही सममित दिख रहा है, देखो ये यहां पे नहीं दिख रहा है, कहोगे कि सर क्यों नहीं दिख रहा, ये है, ये है, ये देखो इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप कितना ज्यादा है, यदि इसमें मिल जाता तो वाई एक्स के सापेक्ष सममित होता, तो ये क्या हो गया, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, मूल बिंदु के सापेक्ष, क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, सममित है, इसलिए tan x क्या होता है आपका, एक विषम फलन होता है, क्या होता है, विषम फलन होता है, क्या होता है, विषम फलन। इसलिए आप कभी भी tan x के अंदर माइनस रखोगे तो माइनस को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, माइनस को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। और बचे हुए 3 ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में मैं जल्दी जल्दी निपटा दूंगा, अपना काम हो जाएगा। बाय बाय।